हेलो गाइस, मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट कोच। आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ कि कराटे में जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, या आपने देखा होगा कराटे क्लासेस में जो कोच प्रैक्टिस कराते हैं, इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, तो वो काउंटिंग करते हैं, जैपनीज काउंटिंग, क्योंकि जैपनीज टर्मोलॉजी होती है कराटे में। तो उसमें क्या है, वो जैपनीज काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक यूज करते हैं। तो वही काउंटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ओके। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो सभी को पता है, अपना नर्सरी केजी में सिखा दिया जाता है। बाकी इसी को जापानीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कैसे उसमें प्रैक्टिस करेंगे अपना, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से 1 से लेकर 10 तक मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 1 इच नी सा सी गो रुक सच हच कु जु। इसमें इच मतलब 1 होता है, नी मतलब 2 होता है, सा मतलब 3 होता है, सी मतलब 4 होता है, गो मतलब 5 होता है, रुक मतलब 6 होता है, सच मतलब 7 होता है, हच मतलब 8 होता है, कु मतलब 9 होता है, और जू मतलब 10 होता है। ये 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग करते हैं जब हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं कराटे में। काउंट करना होता है, जैसे मैं अभी 5 करूंगा तो काउंटिंग करेंगे अपना जैपनीज जो है अपना, इच नी सा थ्री गो रक सा हाज कु सु इच नी सा थ्री गो रक सा हाज कु सु। ओके, तो ऐसे हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करेंगे अपना, तो इच नी समसिंग गो रक से हाज कु सु पूरा जू तक अपना 1 से 10 तक काउंटिंग करते हैं, फिर हम लोग उसी से ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब काउंटिंग अपने किसी नोटबुक या डायरी में नोट डाउन कर लें, और आप कुछ टाइम रिपीट करेंगे तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए, एक्टिव रहिए, फिट रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।